पांच ऐसे बिजनेस जो आप इन सर्दियों में शुरू कर सकते हो और बहुत अच्छा पैसा कमा सकते हो। सबसे पहला चाय का बिजनेस। अगर आप अब तक सोच रहे हो कि मैं चाय का बिजनेस कभी करूंगा फ्यूचर में और आप काफी ज्यादा इंटरेस्टेड हो बिजनेस को लेकर, तो इन सर्दियों में शुरू कर सकते हो और इन सर्दियों में आप अच्छा खासा रेवेन्यू जनरेट कर सकते हो, सब कुछ सीख भी जाओगे और अच्छा पैसा कमा भी लोगे इन्हीं सर्दियों में। इसके अलावा दूसरे नंबर पर है अंडों का बिजनेस। आप अंडे की सप्लाई का बिजनेस, अंडे की होलसेलिंग का बिजनेस, किसी भी तरीके से आप एग्स का बिजनेस कर सकते हो और अच्छा पैसा कमा सकते हो। अगर आप फूडिंग में इंटरेस्ट हो, कुकिंग वगैरह थोड़ी जानते हो, तो आप अंडे का कार्ट लगा सकते हो, क्योस्क लगा सकते हो, शॉप लगा सकते हो, बहुत सारी वैरायटी अंडे सर्व कर आप अच्छा पैसा कमा सकते हो। तीसरे नंबर पे आता है जैकेट्स का और सर्दियों के कपड़ों का बिजनेस। आप अगर छोटा कार्ट लगाकर भी काफी सारी सर्दियों की जैकेट्स और सर्दियों के कपड़े बेचते हो, अच्छा पैसा कमा सकते हो। चौथा, आप फ्रोजन चिकन का या चिकन की सप्लाई का बिजनेस कर सकते हो और सर्दियों में चिकन का जो डिमांड है वो बहुत ज्यादा बढ़ जाती है और चिकन के बिजनेस को आप किसी भी तरीके से कर सकते हो। फ्रोजन चिकन की सप्लाई कर सकते हो, पोल्ट्री फार्म से सीधा चिकन को लेकर आप सप्लाई कर सकते हो, या फिर आप दोस्तों चिकन सूप काउंटर लगा सकते हो या किसी भी तरीके से चिकन को सेल कर सकते हो। पांचवा और आखिरी है ड्राई फ्रूट्स का बिजनेस। सर्दियों में ड्राई फ्रूट का बिजनेस बहुत ज्यादा बढ़ जाता है और अगर आप चाहो तो ड्राई फ्रूट्स की सेलिंग कर सकते हो इन सर्दियों में। और एक बोनस टिप दे देता हूं, अगर आप इन सारे बिजनेस में से कुछ नहीं करना चाहते तो आप सर्दियों में एक छोटा सा काउंटर कहीं भी मार्केट में लगाकर गरम दूध कुल्हड़ में सर्व कर सकते हो। और जो लोग मेरी पुरानी वीडियोस देखते आए हैं उनको पता होगा फ्लेवर वाला दूध आप कैसे बना सकते हो, तो आप मिल्क को भी फ्लेवर में कन्वर्ट कर सकते हो। रोज मिल्क, चॉकलेट मिल्क, पान मिल्क, तो चाय नहीं, आप मिल्क को भी कन्वर्ट कर सकते हो, तो आप फ्लेवर वाला मिल्क सेल करके भी अच्छा पैसा कमा सकते हो।